फ्रेंड वेलकम टू एम के गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड बोलने में जो भी गलती हो जाती है माफ करिएगा, फिर चुके धन्य कर करें फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं बात करूंगी प्लांटों की कटिंग के बारे में कि अभी भी थोड़ा टाइम है, अगर आप कटिंग लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि अब फरवरी लगने वाली है और बहुत ज़्यादा धूप निकलने वाली है, तो फिर इसके बाद कोई कटिंग नहीं लगेगी। चाहे आप जितना लगाओ कि जितना भी कोशिश करो, कटिंग नहीं लगेगी और ज़्यादातर प्लांट सूखेंगे, क्योंकि अब टाइम ऐसा ही आने वाला है। तो अभी थोड़ा फरवरी का टाइम है, तो आप ऐसे में अभी सीजनी प्लांटों के कटिंग लगा सकते हैं, तो जल्दी से लगा लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सी कटिंग इस टाइम अभी लग सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये रखे हुए हैं मेरे प्लांट, देखिए ये पिटूनिया है, ये जितनी यहाँ रखी हैं पिटूनिया है। सर्दी की वजह से डोरमेंसी में ये भी चली गई थी और फ्लावरिंग नहीं की है, लेकिन अब जब धूप निकलने लगी है तो मैं थोड़ा ऊंचाई में रख देती हूँ, तो अब इनमें से बड्स बनने लगी है फ्लावर के लिए। और देखिए इसका कितना खूबसूरत सा फ्लावर निकला हुआ है। और ये वर्बीना है, तो देखिए इसमें कीड़े, अरे दैया ये कौन सा कीड़ा है, तो ये वर्बीना है और ये डॉगी प्लांट है। तो इन सभी की आप कटिंग लगा सकते हैं, और ये डॉगी प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। डायंठस, ये भी डायंठस, ये है पिटूनिया रेड, वो भी डायंठस और वो पिटूनिया रखी हुई है। इसके बाद हम आते हैं कलंचू, कलंचू की आप कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। अभी ही टाइम है, लगा लीजिए कटिंग ताकि चल पड़े, अगले सीजन के लिए हो जाएगी, नहीं तो फ्लावरिंग करने के बाद ये कलंचू ख़राब हो जाता है। इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग बचती है, तो आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में ये भी ख़राब होने ही लगता है। तो देखिए मैं एक कटिंग से इतने सारे प्लांट बना ली हूँ अपने कलंचू के, तो आप भी बना लीजिएगा, छोटी सी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम ये स्पाइडर, स्पाइडर की आप ढेर सारी कटिंग बना लीजिए, क्योंकि गर्मियों में ये भी सूख जाता है, ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं करता है, धूप में इसकी पत्तियाँ सूख जाती है। जैसे पत्तियाँ सूख गई तो फिर ये जड़ भी पूरी ख़राब हो जाती है। और अगर आप ध्यान रखिएगा, इसको बड़ा पॉट थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो पत्तियाँ सूख जाएँ भले ही, लेकिन जड़ बनी रहेगी तो दोबारा से ग्रोथ हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने अभी इनमें बोतलों में लगाया ना, इनको चेंज करके बड़ा पॉट दे दूँगी, जैसे मैंने इन कट्टी में लगाया हुआ है, तो इस तरह कट्टी में दे दूँगी। इनमें से चाहे जितनी धूप लग जाए फ्रेंड, ख़राब नहीं होता है मेरा, पत्तियाँ भले ही सूख जाती है लेकिन दोबारा फिर से ग्रोथ हो जाती। तो ये हो गया, इनकी कटिंग हो गई। फिर आते हैं हम इधर, तो मैंने दिखाई दिया, हाँ ये हो गया। फिर आते हैं हम इस ये प्लांट के लिए, तो इस प्लांट की भी आप कटिंग लगा ही लीजिए, क्योंकि देखिए नीचे से ये पत्तियाँ गिराने लगा है सर्दी के कारण, और डंडी डंडी बच गई है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर की कटिंग आप लगा लीजिए, क्योंकि डंडी लगने वाली नहीं है नीचे की, ये खराब हो जाती हैं, एकदम से दबने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो ये नहीं लगती फ्रेंड। इनकी कटिंग लगा ली, इनकी तो वीडियो मैंने डाला ही है, आप लोग हैंगिंग बास्केट प्लांट इनकी लगा लीजिए। फिर आते हैं इसमें, तो ये जेरेनियम है, इसकी भी आप कटिंग लगा लीजिए फ्रेंड, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ये हैं गजेनिया, गजेनिया को आप जितना चाहें उतना डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे तीन गमले बन गए हैं इसके, और देखिए इसका क्या हालत हो गया। तो आज मैं इसमें भी काम करने वाली हूँ, तो इसकी भी कटिंग कट करके लगाऊंगी, और ये जो नीचे की टहनी है इनको हटा दूंगी। तो फ्रेंड इन सभी प्लांटों की आप कटिंग लगा लीजिए। और डहलिया है, जैसे सालविया है, तो देखिए मैंने कटिंग लगाई है, ये मेरी कटिंग लग गई है, एक मैंने इसमें भी कटिंग लगाया है, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा ये हो गया है। एक ही प्लांट से मैंने ढेर सारी कटिंग बना ली है फ्रेंड, तो दो मैंने ये लगा लिया है, और अभी आप लोगों को और दिखाती हूँ चल करके। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया था कटिंग, तो देखिए मेरा ये हो गया है, ये मैंने लगाया है, ये है फ्रेंड मेरा डॉगी प्लांट की मैंने कटिंग लगाई है, देखिए ग्रोथ हो गई है, तो ये मेरा हो जाएगा डॉगी प्लांट है ये फ्रेंड। आप हर एक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, देखिए मैं छोटी छोटी सी कटिंग अपने प्लांटों में लगाती रहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी मेरी कटिंग लगी हुई है, जो चीज़ मुझे ज़्यादा चाहिए उसके मैं कटिंग हमेशा लगाती ही रहती हूँ, और कटिंग से ही ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड। जेड प्लांट की भी आसानी से कटिंग लग जाती है, आप जेड प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये जो रखे हैं वॉटर लिली, इनके आप डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं, जितने चाहें उतने बना सकते हैं इसके। फिर आते हैं गुलदावरी की तरफ, अगर गुलदावरी आपकी ज़मीन हो तो आप उसको फ्लावरिंग हो गई है, उसके बाद आप उसको उखाड़ करके ज़मीन में लगा दीजिए, तो अगले सीजन की हो जाएगी, क्योंकि गुलदावरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है फ्रेंड, धूप बर्दाश्त नहीं करती है, धूप में ख़राब हो जाती है। अगर ज़मीन में लगी है तो सही है, गमले में लग रहती है तो ख़राब हो जाती है। एक मेरी ये लगी हुई है, तो मैं इनको तो सोच रही हूँ अलग करने के लिए। देखिए ये कटिंग भी मैंने लगाई हुई है, ये मेरा बेबी सनरोज है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, देखिए लग गई है इसकी भी कटिंग, यहाँ पे भी मैंने कटिंग लगाई हुई थी। ये है डहलिया, डहलिया कटिंग लगाई है, देखिए फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, और ये बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी फ्रेंड, ये देख लीजिए आप, एकदम छोटी सी कटिंग लगाई और फ्लावरिंग दोनों शुरू हो गई है। और इसको आप देख लीजिए, ये मैंने लगाया था, तो देखिए नीचे से ख़राब होने लगा है, ऊपर सही है, तो हम इसको यहाँ से कट करके लगा देंगे, ये देख सकते हैं फ्रेंड, नहीं इससे भी प्लांट ख़राब हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने गार्डन में शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बम्फर धूप निकलेगी तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए, मैंने इससे कटिंग लेकर के लगाई थी और मैं इससे और कटिंग ही कटिंग लगा लूँगी, क्योंकि अब ये भी प्लांट ख़राब होने वाला है। और ये है डहलिया, डहलिया की कटिंग मैंने लगाई है और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। ठीक है, तो आप इन सभी प्लांटों की कटिंग इस टाइम लगा लीजिए, ढेर सारे प्लांट तैयार कर लीजिए ताकि आपके अगले सीजन के लिए हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको नर्सरी से नहीं लाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग हर प्रकार के प्लांट की कटिंग लगा लीजिए और इनकी आप पिंचिंग करते रहेंगे तो अच्छे से ही ग्रोथ होती रहेगी इनकी, इन प्लांटों की। जितना ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतना ज़्यादा घना और बूसी होगा। ये मैंने फ्रेंड इनको कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, ये जितने भी मेरे कटिंग से ही तैयार है। और ये है यूफोर्बिया, इसकी भी आप कटिंग लगाइए। देखिए मैंने लगाया है कटिंग, एक मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है, ये लग गई है, एक मैंने ये लगाई हुई वहाँ लगी हुई है देख लीजिए आप, और एक मेरी ये कटिंग लगी है। तो इसमें तो फ्लावर आना शुरू हो गया, मतलब मैंने अपने इसी से ही ढेर सारे प्लांट बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी प्लांटों की कटिंग आप लगा लीजिए देर ना करते हुए, ताकि आपके गार्डन में ये प्लांट बने रहें, आपका गार्डन ना सूना हो और आपके गार्डन में चार चांद लगते रहें। देखिए मैंने यहाँ पर कितने सारे प्लांट को लगाया हुआ है, तो आप भी जल्दी से इन प्लांटों की कटिंग लगा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बना लीजिए। अब देखिए धूप निकलने लगी है तो थोड़ा थोड़ा ये कलांचू खिलने लगा है, नहीं तो कलांचू खिल ही नहीं रहा था एकदम से। ये देख सकते हैं अभी ये, इसका तो धूप नहीं लग रही तो वो तो एकदम से हरी हरा ही हो गया है। ये देख लीजिए फ्रेंड, आप कहीं भी इसकी कटिंग लगाइए, बोतल में लगाइए, किसी चीज़ में लगाइए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, देख सकते हैं आप। तो आप भी अब देर ना करें, सभी प्लांटों की कटिंग लगाइए। और मेरा गार्डन आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बताइएगा गार्डन कैसा लगता है। ठीक है, और मेरे ये प्लांटर आप लोगों को कैसे लगे, जो मैंने ये बनाए हुए थे ये वाले प्लांटर, आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा और सभी प्लांटों की कटिंग लगा लीजिएगा, लालसा घास है इसकी भी कटिंग लगाइएगा, इनके भी लगाइएगा। मतलब मेरे गार्डन में जितने प्लांट हैं आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, मेरा गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरा छोटा ही गार्डन है, मेरा छोटा एरिया है, तो आप लोग प्लीज़ इतने ही गार्डन का मेरे सपोर्ट करिए ताकि मेरा गार्डन आगे बढ़े। गार्डन मेरा सो गया है, अभी एक भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ाइए। देखिए ये स्पाइडर है, इस तरह से इनके रूट्स निकलती हैं, तो इनको आप कट करके लगाइए, इस तरह से स्पाइडर तैयार हो जाता है। अब जो पहली बार गार्डनिंग करें उन्हें तो पता नहीं है ये क्या निकल आया, ये क्या है भैया, काट के फेंक देंगे, तो नहीं यार इसको काट के मत फेंकेगा, ये इन्हीं से तो हमारे प्लांट तैयार होते हैं, इन्हीं से तो हम डिवाइड करते हैं, अगर ज़्यादा घना है तो इनसे डिवाइड कर लेंगे, और नहीं तो देखिए ये बेबी हैं, ये कैसे टूट गया, ये बेबी को किसने काट दिया भैया रे भैया। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं चूहे ने काट कर दिया होगा, शैतान चूहा। ये देखिए इस तरह से आप इनको लगाइए। तो बाय बाय फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू माय गार्डन, लव यू माय फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लव यू।